नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इस चैनल में शेयर करी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज का जो टॉपिक है ये न केवल कानपुर में बट पूरे इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और ये है एस्थमा के बारे में। बोलचाल की भाषा में लोग इसको एस्थमा कहते हैं, एक्चुअली इसको प्रोनाउंस हम लोग एज़मा करते हैं, टी साइलेंट होता है। ये एक छोटी सी बात है। एस्थमा को आजकल इसलिए इतना कॉमन हो गया है क्योंकि शहर के अंदर, इंडिया के अंदर हवा खराब हो गई है, और ये जो हवा खराब होना है ना, ये दो तरह से खराब हो गई है। एक तो पॉल्यूशन हो गया है, दूसरा पॉल्यूशन के बहाने लोगों की हवा खराब कर दी गई है कि भाई देखो, तुम्हारे बच्चों को अस्थमा है या तुम्हारे बच्चों को अस्थमा हो सकता है। अब ये हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है जिससे पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। आपके बच्चे को खांसी आई, उसकी सांस फूली और आप मरीज को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि इसको चाइल्डहुड अस्थमा है और आपकी हवा खराब हो गई। ये कानपुर की भाषा है, हवा खराब होना। दरअसल ये एक टेक्निक है जो फार्मा कंपनीज ने बना रखी है अपना इनहेलर बेचने की, और मैं इसका खंडन करता हूँ और सख्ती से खंडन करता हूँ। इनहेलर्स, MDIs जिनको कहते हैं, इनकी आदत पड़ जाती है। इनहेलर्स आर नॉट एंड शुड नॉट बी द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, आपके बच्चे को अगर एस्थमा बताया गया है तो उसको एस्थमा डायग्नोज होना चाहिए, और एस्थमा डायग्नोज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपके बच्चे की सांस फूलती है, उसको खांसी आ रही है, तो अगर वो एक बार का इंसिडेंस है तो उसको आप एस्थमा नहीं कह सकते। सबसे पहली बात, ये चीज़ रिकरेंट होनी चाहिए, यानी कि बार बार होनी चाहिए। अगर बार बार हो रही है, चेंज ऑफ सीजन पे हो रही है, तो हो सकता है कि ये एस्थमा हो। नंबर दो, अगर आप किसी सेंसिबल डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा। उस ब्लड टेस्ट में हीमोग्राम मैंडेटरी होगा, साथ ही साथ उसको दो टेस्ट और कराने चाहिए, IgE और फाडिया टॉप, और उसके साथ साथ उसको एक टेस्ट कराना चाहिए, चेस्ट एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, चेस्ट PAV। जब IgE और फाडिया टॉप होगा और हीमोग्राम होगा, तो हीमोग्राम में सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी कि ESR कैसा है, दूसरी चीज़ देखी जाएगी कि ईसनोफिल की काउंट कैसी है। अगर ईसनोफिल बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, दिस वुड पॉइंट टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन, नॉट नेसेसरली कि ये एस्थमा है। IgE और फाडिया टॉप जब देखा जाएगा, तो अगर केवल IgE बढ़ा हुआ है और फाडिया टॉप नहीं बढ़ा हुआ है, तो मतलब बच्चा एलर्जिक है, उसके अंदर एलर्जीज हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स है, हाइपर एलर्जिक है, उसका अंदर का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव है टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लेकिन अगर IgE और फाडिया टॉप दोनों बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल एलर्जेंस उसको एलर्जी कॉज कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई कि उसको सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी है। नाउ दिस कैन बी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, दिस कैन बी COPD।
एस्थमा एक जनरल टर्म है जो पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया गया है। हम लोग इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, COPD, और COPD की डायग्नोसिस केवल एक ही टेस्ट से होती है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT। और PFT की डायग्नोसिस में हमको ये पता लगता है कि सबसे पहले ये जो बच्चा या ये इंसान जिसका PFT हो रहा है, इस इंसान के जो डिजीज़ है ये ऑब्स्ट्रक्टिव है कि रिस्ट्रिक्टिव है, दोनों में अंतर होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का मतलब होता है कि जो नलियां हैं जो फेफड़े को, फेफड़े पे ऑक्सीजन ले जा रही हैं, वो नलियां संकुचित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का मतलब होता है कि जो फेफड़े हैं वो पूरी तरीके से फैल पा रहे हैं कि नहीं फैल पा रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का पैटर्न आता है निमोनिया में, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में, आजकल के कोविड में। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का पैटर्न आता है आपके COPD में, जो कि एस्थमा कहलाता है। और COPD की डायग्नोसिस होती है तब जब FEV1/FVC की वैल्यू लेस देन 60% होती है। और अगर PFT कायदे से नहीं किया जाए तो ये टेस्ट भी गलत हो जाता है। इसीलिए PFT अच्छे सेंटर में किसी अच्छे रेस्पिरेटरी फिजिशियन के अंडर में ही होना चाहिए, तभी इस टेस्ट की वैलिडिटी होती है। इसके बाद अगर बच्चा या कोई इंडिविजुअल डायग्नोज होता है कि उसको एस्थमा है, तब आप मानिए कि एस्थमा है। अदरवाइज बहुत सारे केसेस जिनको एस्थमा डायग्नोज किया जाता है वो एस्थमेटिक नहीं होते हैं, उनको जो बीमारी होती है उसका नाम है HAD, हैड, हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज, यानी कि उनका एयरवे नॉर्मल स्टिमुलाई को ओवर रिएक्ट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज। और चाहे वो एलर्जिक एस्थमा हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो हाइपर रिएक्टिव डिजीज हो, चाहे वो टेंडेंसी टू टेकिंग कोल्ड हो, और चाहे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद कॉफ हो, इन सब चीज़ों में अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको एक ना एक दिन होम्योपैथी का रुख करना ही पड़ेगा। और आपको किसी बहुत अच्छे होम्योपैथ के पास जा कर के अपने बच्चे को या अडल्ट को, भले ही उसको एलोपैथी की दवा चल रही हो, आपको उनके पास जा कर के हिस्ट्री ले कर के प्रॉपरली डायग्नोस करा करके उसका इलाज लॉन्ग टर्म में कराना पड़ेगा। और आप विश्वास जानिए, मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है दैट होम्योपैथी हैज़ फुलेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्पिटेंट क्योर ऑफ एलर्जिक, नॉन एलर्जिक एस्थमा।